ऐप यहाँ पे लॉन्च हुई है, ऑब्वियसली मेरा उसको पूरा सपोर्ट है. और एक ये ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड के लिए यू नो इट्स अ बेटर स्टेप, स्पेशली हमारे ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए. सो या मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, और ऐसी सोच उन्होंने लेकर ये ऐप लॉन्च किया, आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट आइडिया. प्रैक्टिकली क्या कहना चाहेंगे अपने प्रैक्टिकली भी देखा इस चीज को? प्रैक्टिकली मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी कभी आज की जनरेशन ऐसी है ना, कभी कभी अपने माँ बाप या फैमिली को सारी बातें नहीं शेयर कर सकती, सारी बातें नहीं बता सकती. तो कुछ कुछ ऐसी जब टेक्नोलॉजी उभर के आती है ऐसी चीज़ों में, जैसे ऐसे ऐप्स बनते हैं, सो आई थिंक ये इट्स लाइक अ हेल्पिंग हैंड टू आर जनरेशन. जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक अच्छी मदद का हाथ है. 11 दिन गणपति है, अभी गणपति चतुर्थी है, क्या कह रहे हैं पहले विश करना चाहिए गणेश चतुर्थी के लिए? हाँ, गणेश चतुर्थी के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. और मैं भी मराठी हूँ तो हमारे घर में भी गणपति बहुत जोर से होता है. 11 दिन कैसे निकलते हैं आपके? एक मिनट, 11 दिन कैसे निकलते हैं? 11 दिन कैसे निकल जाते समझ में नहीं आता, क्योंकि सबके घर में गणपति होते हैं, सबके घर में विसर्जन होते हैं, यू नो सब विजिट करना पड़ता है. नहीं बोली शूटिंग के दौरान हम ऐसी बात नहीं होती कि भगवान के लिए वक्त नहीं निकाल सकते. भगवान के लिए ऐसा वक्त होता है, भगवान बोलेगा जब तुम मुझे याद कर सकते हो मुझे याद कर लो, बस वही वक्त एक भगवान का होता है. चाहे शूटिंग में बिजी रहें या घर पे रहें, आई थिंक भगवान या ऊपर वाले के लिए वक्त निकालना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वक्त होता ही है अपने पास, बस याद कर लो. तो आप तैयारी कुछ करती है ड्रेसिंग को लेकर? ड्रेस को अपने ड्रेस को लेकर क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, तैयारियाँ तो हाँ होती ही है, क्योंकि सजना हर किसी को पसंद है, मुझे भी पसंद है. तो हाँ, मेरा सजना थोड़ा ऑफ होता है, लेकिन हाँ मैं भी सजती धजती हूँ, तो 11 दिन मेरे भी फटाक से निकल जाते हैं. और वैसे भी बाद में दिवाली भी आती है. थैंक यू. मेरा नाम डॉली सोही है और मैं एक्ट्रेस हूँ. कौन सा शो है अभी आपका? मेरी दुर्गा अभी अभी खत्म हुआ है. अब बात करें आज के ऐप के बारे में, क्या कहना चाहेंगे जो सोडी साहब ने ऐप लॉन्च? आज के ऐप के बारे में जो सोडी साहब ने जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया, आई डोंट थिंक सो वी विल बी एबल टू डू दैट, बिकॉज इतने पॉजिटिवनेस से उन्होंने सबको बताया कि पहले खुद से कनेक्ट हो, फिर दूसरों के बारे में सोचो. उनको नीचे लाने से पहले खुद के अंदर के सोर्सेज जो हैं उनसे कनेक्शन करके देखो. सो मेरे ख्याल से अगर हम ये कर पाएंगे तो आई थिंक सो वो जिस हिसाब से उन्होंने जंप किया, स्टॉप किया और जंप किया ना, वी विल बी लाइक वेरी इन गुड पीस ऑफ माइंड एंड वी विल बी सो पॉजिटिव. सारी टेंशनें वहीं ख़त्म हो जाएंगी. गणेश चतुर्थी आ रही है, विश करना चाहेंगे सामने दर्शकों? क्या होगा? मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. 11 दिन कैसे निकलते हैं, क्या क्या पूजा चाहिए? देखिए मैं इसे इतना फॉलो तो नहीं करती हूँ, लेकिन जितने भी मेरे फ्रेंड्स गणपति जी रखते हैं उनके घर जाते हैं, हम अपनी दुआएं मांगते हैं गणपति जी के सामने, विश करते हैं कि हमारा ये पूरा हो जाए वो पूरा हो जाए. सो उस हिसाब से हम पूजा करते हैं और गणपति जी के दर्शन करके आते हैं. थैंक यू. मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, आई एम नवीन शर्मा एंड आई एम एन एक्टर. आप अभी मुझे रिसेंटली नागिन 3 में देख रहे हैं एज रिहान, और आपने मुझे उड़ान में देखा है. हाँ जी, क्या कहना चाहिए आपके बारे में? देखिए मैं बेसिकली एक फील्ड से दूसरी फील्ड में आया हूँ. मैं कोरियोग्राफर रहा हूँ और अभी मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ. और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं बेसिकली जयपुर से बिलोंग करता हूँ. इट्स बीन 5 ईयर्स मैं बॉम्बे में हूँ और अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, बहुत मज़े लेके काम कर रहा हूँ. नागिनों वाला एक्सपीरियंस आपको बताया कैसा है? एज इन हम लोग शूट पे बहुत मस्ती करते हैं, और जिस तरीके से मुझे बहुत ना जो आंटीज हैं जो मिलती हैं मुझे, और वो यही पूछती हैं कि आप लोगों को डर नहीं करता लगता शूट करते हुए? बिकॉज उन लोगों को बहुत डर लगता है देखते हुए. तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सेट पे भी बहुत मस्ती करते हैं. अनीता और सुरभि दोनों ही बहुत प्यारी हैं, और यू नो हम लोग एक फैमिली की तरह हो गए अब तो. रक्षंदा मैम, चेतन हंसराज और हम लोग सब बहुत बहुत क्लोज हो गए हैं. और जितने भी हम जो मोलेस्टर्स हैं नागिन के, जो कि बहुत ही नीच गलीच लड़के हैं, हम लोग बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग हो गई है. कोई घर से किसी के लिए खाना लाता है, कोई पैसा लाता है, तो एक्सपीरियंस वाज रियली गुड. और अभी भी हम बहुत इन्जॉय करते हैं शूट के टाइम पे.
गणपति आ रहा है 11 दिन कैसे मतलब जिसका ना चाहिए कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं गणेश चतुर्थी पहले गणेश चतुर्थी देखिए मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ आप सबको बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की और मैं जैसे कि आपको बता रहा था मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे गणेश चतुर्थी एक्चुअली गणेश चतुर्थी वाले दिन ही एक दिन सेलिब्रेट करते हैं बॉम्बे में आके मैंने देखा कि यहाँ पे 10-10, 11-11 दिन तक सेलिब्रेशन होता है तो आई वॉज रियली मूव जब मैं नया बॉम्बे आया था मैं किसी की भी पार्टी के अंदर मैं चले जाया करता था किसी के भी जो गणपति जाते थे मैं आई यूज टू जस्ट एंटर जस्ट क्रैश इट एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है 11 दिन बहुत अच्छे से निकलते हैं धूमधाम से निकलते हैं मेरे जितने भी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं और जो बाकी फ्रेंड्स हैं इसी इंडस्ट्री से तो मैं उनके यहाँ पे जाता हूँ कोई एक दिन डेढ़ दिन पाँच दिन की गणपति रखते हैं कुछ लोग 10 दिन की गणपति रखते हैं सो आई डू विजिट ऑल दी पंडाल्स थैंक यू क्या कहना चाहिए आप पहले अपना परिचय दीजिए पूरा नाम मैं बोल रहा हूँ ये चिंता ना करो मैं खुद ही बोल रहा ना भाई मेरा नाम तो आप सभी जानते हैं वैसे तो सीरियल में है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का रोशन सिंह सोढ़ी पर असली जिंदगी में गुरुचरण सिंह GCS और इसी नाम की मैंने ऐप तैयार की है रब जी की कृपा से GCS ऐप जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया हूँ पहली चीज़ है कि बहुत से लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे ये नहीं कि उसको वक्त लगेगा वेरी फास्ट आप अनहैप्पी हैं आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं पूरा चेंज जो चाहते हैं उसको हम लोग बहुत फास्ट करेंगे इस ऐप के द्वारा वो कर सकते हैं ऐप आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उस पर जाइए सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं दूसरा अगर आप इस वर्ल्ड में आना चाहते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे सारी डिटेल्स ऐप के अंदर हैं आप उसको देखिए आराम से समझिए और आइए कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आप लिख के भेज सकते हैं तो सोढ़ी जी के मन में ख्याल कैसे आया कि इस तरह की ऐप को लॉन्च करना चाहिए ये ऐसा हुआ कि अभी हमने 10 साल सेलिब्रेट किए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तो 10 साल सेलिब्रेट करने के बाद 2500 एपिसोड्स होने के बाद आप सबका प्यार मिला तो मेरे साथ क्या होता था कि बहुत से लोग मैंने देखा है क्योंकि मैं भी इस चीज़ से निकला कि लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तकलीफ में हैं दुखी हैं लेकिन हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ये मुझे पता है तो मैंने कहा क्यों ना ये शेयर किया जाए क्योंकि इससे लाइफ में बदलाव आएगा इतना जो मुझे प्यार मिला है तो मैं दिल से कोई ऐसी चीज़ करूं जिसमें लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो तो मैंने वो यही सोचा कि बेस्ट तरीका क्या है तो आजकल मैं जहाँ भी देखता हूँ सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स है तो मैंने कहा सबसे फास्ट तरीका है सबके पास पहुँचने का ऐप तो मैंने इस तरीके से मेरे दिमाग में ही आया और ये तब आया आइडिया जब मैं नहा रहा था फ्री में ज्ञान बांटने की जो बात कर रहे हैं आपकी टीम कितना साथ दे रही है आपके साथ सर इसमें पहली बात है कि ये ज्ञान नहीं है ये सच्चाई है ज्ञान क्या होता है जो सुनते हैं चले जाते हैं ये प्रैक्टिकल है ये एक्शन ओरिएंटेड है मैं जो करूंगा वहीं आपको कराऊंगा आपको करना ही पहली बात पहले कुछ है मेरे अंदर कुछ है देखो ये तो आपको तभी पता चल जाता है जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जब मैं मुंबई आया था 6 महीने मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिल गया मुझे पता था ये रब जी की कृपा से हुआ है पर आपको एक बिलीफ आ जाता है क्योंकि बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए आप बिलीव करते हो कि यस आई कैन डू इट तो आप कर सकते हो अगर आप सोचते हो कि आई कैन डू इट आप नहीं कर सकते हो और हर जगह हर बुक में आजकल ये छप गया है लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे करोगे हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को कराएंगे वहाँ पे और वो भी ऐसे 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 सर ये अपनी गणेश चतुर्थी आ रही है सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज ये गणेश उत्सव की जितने भी मेरे भाई बहन जो भी मुझे देख रहे हैं उन सबको बहुत 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 मुबारकबाद क्योंकि स्पिरिचुअली जब भी चीज़ें होती हैं उस समय जो वाइब्रेशंस होती हैं बहुत पॉजिटिव होती हैं तो इस टाइम पे आप अपनी ड्रीम्स के बारे में विजुअलाइज़ कीजिए उसके बारे में सोचिए कि वो पूरी हो रही हैं तो भगवान जी आपके ऊपर बहुत कृपा करेंगे और वो जल्द से जल्द पूरी होंगी आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं 11 दिन कैसे निकलते हैं या सेट के ऊपर या फिर रखते हैं उधर आते हैं ना सेट पे आते हैं सारे तो बाकी मेरे दोस्त हैं मैं उनके घर पे जाता हूँ और बड़ा मज़ा आता है आनंद आता है अभी फर्स्ट जिस दिन होगा तो वो 1.5 दिन का होता है तो मुझे बहुत से घरों में जाना है तो मैं जाता हूँ क्योंकि यही है हमारा हिंदुस्तान यही है मिलजुल के रहना प्यार मोहब्बत से सारे जितने भी हमारे उत्सव हैं उनको सेलिब्रेट करना हाय मैं श्वेता रोहिरा हूँ और GCS के बारे में ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही हैप्पी ऐप लग रहा है और इसे डाउनलोड करना चाहिए बिकॉज ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहिए और अगर आप हैप्पी रहते हो तो सब कुछ हैप्पी होता है थैंक यू